शक्ति यादव, शक्ति यादव पहले यहीं से शुरू करिए, ये स्पीकर पर ये झगड़ा करने की या परंपरा तोड़कर चुनाव करवाने की क्या जरूरत है, और क्या वाकई ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं क्या के सुरेश, जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं? मानक जी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं ये बात तो स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग सब साथ बात कर रहे हैं। देखिए, कोई राजनीतिक रूप से एक बात तो स्पष्ट तौर पर माननी चाहिए, जो परंपराएं चली आ रही है। मुझे हैरानी तभी कई स्क्रीन पर मैं देखा कि इतिहास में पहली बार, पता नहीं उनके कहाँ से सूत्र हैं, कहाँ रिसर्च हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसका भी एक बार पड़ताल करना चाहिए। बाकी तो वरिष्ठ पत्रकार विजय जी ने आपको स्थिति कालखंडों का कर दिया। ये कोई बाध्यता नहीं है, एक परंपरा है, और इन परंपराओं के अनुकूल करिया मुंडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ये परंपरा रही है, राजनीतिक शुचिता का अनुपालन था और लगातार ये होता रहा है। लेकिन जब आप आत्ममूर्ता के शिकार होकर के अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, लगता है कि मेरे सामने कोई नहीं है, मैं जो चीज़ें थोप दूं उसको सब कोई स्वीकार करे, तो ये नहीं चलती है। चलती है अगर तो सबको पता है कि लोकतंत्र में आपसी सहमति होनी चाहिए, और सदन का संचालन तो आपसी समंजस तो होना ही चाहिए, क्योंकि सदन का संचालन में जो भूमिका होती है, ठीक कहा अनुराग भदौरिया जी ने कि स्पीकर के अगर कालखंडों के इतिहास को मैंने खंगालिएगा तो ये अध्यक्ष जब जब भी विपक्ष के नेता कोई खड़ा होते हैं बोलने के लिए, इतना इंटरप्ट करने वाला मैंने इतना दिनों में पिछले 25-30 वर्षों में हमने तो नहीं देखा है कि अगर राहुल गांधी खड़े हो जाए, विपक्ष के कोई नेता खड़े हो जाए तो आधा टाइम स्पीकर ही मारते हैं। तो स्पीकर के इनके संदेह होता है कि भाई आप जो एक्ट करते हो, संचालन करते हो सदन का, उसमें पारदर्शिता दिखनी चाहिए। 19-20 चलता है, पर इतना अंतर हो जो दिख जाए आपकी पक्षपात पूर्ण रवैया, तो सवाल खड़े हो जाते। फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने कहा कि आपसी सहमति से अगर विपक्ष को आप दे दीजिएगा तो कहां बनता है चुनाव का मामला, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप अहंकार के वशीभूत होकर के थोपते हैं और संविधान का कोई अगर बात करता है, ध्यान देता है, आरक्षण की बात करता है, तो आप कहते हो हम संविधान के संरक्षक हैं, संविधान का लगातार आपने गला ढोका। मतलब शक्ति यादव आप ये कह रहे हैं, शक्ति यादव मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर ओम बिरला की जगह बीजेपी किसी और को उतारती तो आप समर्थन दे सकते थे, आपको ओम बिरला से दिक्कत है? देख, नहीं नहीं, हमने इसलिए कहा कि जब कोई व्यक्ति लगता है कि निष्पक्ष व्यक्ति आ जाता है तो वहां पर कभी कभी विपक्ष शांत भी हो जाता है। लेकिन जब विपक्ष के सामने वो चेहरा आता है जिन चेहरों के रोल सदन के अंदर में सब लोगों ने बारीकी से देखा और समझा है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ तो प्रतिकार होगा राजनीतिक रूप से। और ऐसे भी राजनीतिक शुचिता का तकाजा है, परंपरा का तकाजा है कि विपक्ष को देनी चाहिए उपाध्यक्ष का पद। बाबत आप नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अहंकार है, अहंकार की बू आती है, हल्का अहंकार को धक्का लगा है। जिन लोगों ने 400 पार का बड़ा एक दिखाया था सब्जवाग चुनाव के पहले, चुनाव के बाद तक, रिजल्ट के पहले तक, एक तो लगा। एक बात बताइए, धक्का लगा, प्रतिकार कर रहे हैं मानक जी, आप प्रतिकार कर रहे हैं अगर हार जाएंगे, क्योंकि आंकड़े तो इनके पास हैं। नई संसद, पहली लड़ाई अगर एनडीए जीत जाएगा, मानक और मान लीजिए जैसा अजय आलोक कह रहे हैं कि 300 का समर्थन हमें मिल सकता है, क्या संदेश जाएगा, क्या हासिल करेंगे उससे आप? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सवाल है कि लोकतंत्र में जब कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है तो हार जीत का नहीं, असूलों के सवाल पर चुनाव लड़ता है, और वसूलन अपनी नीतियों को स्थापित करने के लिए, जो देश में परंपरा है, जो संविधान, तो उन चीज़ों को स्थापित करने के लिए अगर निकलता है तो हार जीत की चिंता नहीं करता है। हम जब लड़ रहे थे पार्लियामेंट के अंदर में, चुनाव देश में लड़ा जा रहा था, तो इंडिया गठबंधन हार जीत की चिंता करके चुनाव नहीं लड़ा था। जानता था कि इनके अंदर अहंकार है, ठीक है, जिन लोगों ने अलायंस को कमजोर करके जो बातें सामने आई उस पर कोई चर्चा का मतलब नहीं बनता है। लेकिन बिहार में ही देखिए, हम लोगों ने शेड्यूल 9 में डालने के लिए जो आरक्षण बढ़ाया था बिहार में, लगातार कहते रहे, लेकिन देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का ससरंग का उनके साथ जाने का असर देखिए कि अब क्या हो गया। जो लोग न्यायालय तक घसीट करके ले गए थे जाति गणना को, वही लोग साथ में आकर के फिर मामला क्या हुआ। तो कई चीजें, कभी कभी हम कहते हैं कि संविधान इसलिए खतरे में है कि संस्थाएं करा रही है,
वह भी अधीनता स्वीकार कर रही है जो उनके एक्शन में चीजों को दिखाई पड़ता है। ओके, अभिषेक संविधान खतरे में, अभिषेक स्पष्टता के भाव आते हैं तो संविधान खतरे में नहीं आते।